नमस्ते किसान भाइयों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल HK फार्मर में। किसान भाइयों, अभी सितंबर का महीना चल रहा है। अगर आप सितंबर के महीने में सब्जियों की खेती करके कम समय में कम लागत में अच्छा खासा लाभ और अच्छा खासा उत्पादन लेना चाहते हैं तो आप कौन सी सब्जियों की खेती कर सकते हैं, आपको आज हम इसी के बारे में जानकारी देंगे। तो किसान भाइयों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। किसान भाइयों, आप सितंबर के महीने में फूल गोभी की खेती कर सकते हैं। अगर फूल गोभी की फसल की तैयारी की बात करें, फल की कटाई की बात करें, तो यह रोपाई करने के 60 से लेकर 70 दिन में फूल गोभी की फसल तैयार हो जाती है कटाई करने के लिए। अगर फूल गोभी की फूल की वजन की बात करें तो इसका जो फूल का वजन होता है वो 1 किलो से लेकर 1.5 किलो तक होता है। अगर फूल गोभी की उत्पादन की बात करें तो जो फूल गोभी का उत्पादन होता है वो 1 एकड़ में लगभग 80 कुंटल से लेकर 100 कुंटल तक होता है। अगर फूल गोभी की हाइब्रिड वैरायटी की बात करें तो आप सिमनियस कंपनी का गिरजा वैरायटी लगा सकते हैं। किसान भाइयों, हमने फूल गोभी की वैरायटी पर अलग से वीडियो बनाई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाकर देख लीजिएगा। साथ ही आप सितंबर के महीने में ब्रोकली की खेती कर सकते हैं। अगर ब्रोकली की फसल की तैयारी की बात करें, फल की कटाई की बात करें, तो यह रोपाई करने के 65 से लेकर 70 दिन में ब्रोकली की फसल तैयार हो जाती है फल की कटाई करने के लिए। अगर ब्रोकली की फल की वजन की बात करें तो इसका जो फल का वजन होता है वो 500 ग्राम से लेकर 800 ग्राम तक होता है। अगर ब्रोकली की उत्पादन की बात करें तो इसका जो 1 एकड़ में उत्पादन होता है वो 60 कुंटल से लेकर 70 कुंटल तक होता है। अगर ब्रोकली की वैरायटी की बात करें तो आप सकाटा कंपनी का ग्रीन मैजिक वैरायटी लगा सकते हैं। हमने ब्रोकली की वैरायटी पर अलग से वीडियो बनाई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाकर देख लीजिएगा। साथ ही आप सितंबर के महीने में पत्ता गोभी की खेती कर सकते हैं। अगर पत्ता गोभी की फसल की तैयारी की बात करें, फल की कटाई की बात करें, तो यह रोपाई करने के 60 से लेकर 70 दिन में पत्ता गोभी की फसल तैयार हो जाती है कटाई करने के लिए। अगर पत्ता गोभी की फल की वजन की बात करें तो इसका जो फल का वजन होता है वो 800 ग्राम से लेकर 1 किलो तक होता है। अगर पत्ता गोभी की उत्पादन की बात करें तो इसका जो 1 एकड़ में उत्पादन होता है वो 80 कुंटल से लेकर 90 कुंटल तक होता है। साथ ही आप सितंबर के महीने में मटर की खेती कर सकते हैं। अगर मटर की फसल की तैयारी की बात करें, फल की तोड़ाई की बात करें, तो यह बुआई करने के 60 से लेकर 70 दिन में मटर की फसल तैयार हो जाती है फल की तोड़ाई करने के लिए। अगर मटर की फली में दाने की संख्या की बात करें तो जो मटर में फली में दाने की संख्या होती है वो 8 से लेकर 10 दाने होते हैं। अगर मटर के उत्पादन की बात करें तो इसका जो 1 एकड़ में उत्पादन होता है 65 कुंटल से लेकर 70 कुंटल तक होता है। अगर मटर की उत्पादन की बात करें तो जो मटर का उत्पादन होता है वो 1 एकड़ में 60 कुंटल से लेकर 70 कुंटल तक होता है। अगर मटर की हाइब्रिड वैरायटी की बात करें तो आप एडवांटा कंपनी का GS10 वैरायटी लगा सकते हैं। हमने मटर की वैरायटी पर भी अलग से वीडियो बनाया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाकर देख लीजिएगा। साथ ही आप सितंबर के महीने में टमाटर की खेती कर सकते हैं। अगर टमाटर की फसल की तैयारी की बात करें, फल की तोड़ाई की बात करें, तो यह रोपाई करने के 65 से लेकर 70 दिन में टमाटर की फसल तैयार हो जाती है फल की तोड़ाई करने के लिए। अगर टमाटर की फल के वजन की बात करें तो इसका जो फल का वजन होता है वो 100 ग्राम से लेकर 150 ग्राम तक होता है। अगर टमाटर के उत्पादन की बात करें तो इसका जो 1 एकड़ में उत्पादन होता है वो 300 कुंटल से लेकर 350 कुंटल तक होता है। अगर टमाटर की हाइब्रिड वैरायटी की बात करें तो आप सिमनियस कंपनी का अभिलाष वैरायटी लगा सकते हैं। हमने टमाटर की वैरायटी पर भी अलग से वीडियो बनाया है,
डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाकर देख लीजिएगा। साथ ही आप सितंबर के महीने में बैंगन की खेती कर सकते हैं। अगर बैंगन की फसल की तैयारी की बात करें, फल की तोड़ाई की बात करें, तो यह रोपाई करने के 50 से लेकर 60 दिन में बैंगन की फसल तैयार रहती है फल की तोड़ाई करने के लिए। अगर बैंगन की फल की वजन की बात करें, तो इसका जो फल का वजन होता है वो 150 ग्राम से लेकर 200 ग्राम तक होता है। अगर बैंगन के उत्पादन की बात करें, तो इसका जो एक एकड़ में उत्पादन होता है वो 200 कुंटल से लेकर 250 कुंटल तक होता है। अगर बैंगन की हाइब्रिड वैरायटी की बात करें, तो आप VNR कंपनी का 218 वैरायटी लगा सकते हैं। हमने बैंगन की वैरायटी पर भी अलग से वीडियो बनाया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाकर देख लीजिएगा। साथ ही आप सितंबर के महीने में मिर्च की खेती कर सकते हैं। अगर मिर्च की फसल की तैयारी की बात करें, फल की तोड़ाई की बात करें, तो यह रोपाई करने के 60 से लेकर 70 दिन में मिर्च की फसल तैयार हो जाती है फल की तोड़ाई करने के लिए। अगर मिर्च की फल की वजन की बात करें, तो जो मिर्च का फल का वजन होता है वो 5 ग्राम से लेकर 8 ग्राम तक होता है। अगर मिर्च की उत्पादन की बात करें, तो इसका जो एक एकड़ में उत्पादन होता है वो 150 कुंटल से लेकर 180 कुंटल तक होता है। अगर हाइब्रिड मिर्च की वैरायटी की बात करें, तो आप माइको कंपनी का 9 वैरायटी लगा सकते हैं। हमने मिर्च की वैरायटी पर अलग से वीडियो बनाई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाकर देख लीजिएगा। साथ ही आप सितंबर के महीने में शिमला मिर्च की खेती कर सकते हैं। अगर शिमला मिर्च की फसल की तैयारी की बात करें, फल की तोड़ाई की बात करें, तो यह रोपाई करने के 65 से लेकर 70 दिन में शिमला मिर्च की फसल तैयार हो जाती है फल की तोड़ाई करने के लिए। अगर शिमला मिर्च की फल की वजन की बात करें, तो इसका जो फल का वजन होता है वो 100 ग्राम से लेकर 150 ग्राम तक होता है। अगर शिमला मिर्च की उत्पादन की बात करें, तो इसका जो एक एकड़ में उत्पादन होता है 250 कुंटल से लेकर 300 कुंटल तक होता है। अगर शिमला मिर्च की हाइब्रिड वैरायटी की बात करें, तो आप ईस्ट बेस्ट कंपनी का कावेरी वैरायटी लगा सकते हैं। हमने शिमला मिर्च की वैरायटी पर अलग से वीडियो बनाई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाकर देख लीजिएगा। साथ ही आप सितंबर के महीने में चुकंदर की खेती कर सकते हैं। अगर चुकंदर की फसल की तैयारी की बात करें, चुकंदर की फसल की खुदाई की बात करें, तो यह बुआई करने के 110 दिन से लेकर 120 दिन में चुकंदर की फसल तैयार हो जाती है खुदाई करने के लिए। अगर चुकंदर की फल की वजन की बात करें, तो जो चुकंदर का फल का वजन होता है वो 150 ग्राम से लेकर 200 ग्राम तक होता है। अगर चुकंदर की उत्पादन की बात करें, तो इसका जो एक एकड़ में उत्पादन होता है वो 250 कुंटल से लेकर 300 कुंटल तक होता है। अगर चुकंदर की हाइब्रिड वैरायटी की बात करें, तो आप सिजेंटा कंपनी का रूडी वैरायटी लगा सकते हैं। हमने चुकंदर की वैरायटी पर अलग से वीडियो बनाया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाकर देख लीजिएगा। साथ ही आप सितंबर के महीने में गाजर की खेती कर सकते हैं। अगर गाजर की फसल की तैयारी की बात करें, फसल की खुदाई की बात करें, तो यह बुआई करने के 80 से लेकर 90 दिन में गाजर की फसल तैयार हो जाती है खुदाई करने के लिए। अगर गाजर की फल की लंबाई की बात करें, तो जो गाजर की फल की लंबाई होती है वो 15 सेंटीमीटर से लेकर 20 सेंटीमीटर तक लंबी होती है। अगर गाजर के उत्पादन की बात करें, तो इसका जो एक एकड़ में उत्पादन होता है वो 180 कुंटल से लेकर 200 कुंटल तक होता है। अगर गाजर की हाइब्रिड वैरायटी की बात करें, तो आप क्लाउज कंपनी का जुबेरा वैरायटी लगा सकते हैं। किसान भाइयों, हमने गाजर की वैरायटी पर अलग से वीडियो बनाई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाकर देख लीजिएगा।